Hello students, this is your Das sir welcoming all of you in my physics channel. So my dear students, कैसे हो सर? आज मैं आपका दास सर क्लास 11th की फिजिक्स को लेकर के एक बार फिर आपके सामने आया हूँ. और जहां तक बेटा मुझे याद है कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने 11th के फिजिक्स में पढ़ा, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में, कि एरर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. और मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के लिए छोड़ा, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए होंगे. और इसी उम्मीद के साथ मैं क्लास 11th की फिजिक्स को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ. तो आज हम लोग बेटा एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा डायमेंशन एनालिसिस. और डायमेंशन एनालिसिस. चलो मेरे प्यारे बच्चों, नए पोटेंशियल के साथ स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपसे पहले पूछता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह की होती है. आंसर होगा फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं. फिजिकल क्वांटिटी आर टू काइंड ऑफ. तो पहला क्या है बेटा? पहला फिजिकल क्वांटिटी होगा आपका क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताया हुआ है आपको. दूसरा क्या होगा बेटा? डेराइव्ड क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी. एक्चुअली मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायमेंशन का मतलब क्या हो, डायमेंशन का मतलब क्या हो. तो फिलहाल फिजिकल क्वांटिटी आपके कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं बेटा? सात तरह के. कितने तरह के? सेवन टाइप. कौन कौन से बेटा? लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड टेम्परेचर. ये सात तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन से होते हैं बेटा? जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. सो डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज विच आर डिपेंडेंट ऑन विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ओके, क्लियर है? आओ आगे बढ़ो. डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आर दैट फैक्टर्स which explain derived physical quantity on the basis of fundamental quantity. क्या लिखा बेटा? डायमेंशंस आर दैट फैक्टर्स विच एक्सप्लेन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. डायमेंशन क्या होते हैं? वो फैक्टर्स होते हैं बेटा जो कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है. समझ में आई बात? चलो बेटा इतना ही नोट करो, आगे बढ़ते हैं. जगह भी तो चाहिए, नो डाउट. ओके, चलो उम्मीद करता हूं नोट किया होगा बेटा आप लोगों ने. ये थोड़ा सा रिवीजन था बेटा मैंने जो आपको कराया अभी जस्ट, जिसमें से डायमेंशन का जो डेफिनेशन था वो नया था आपके लिए. तो बेटा डायमेंशन क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग किसको एक्सप्लेन करते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये हम देखेंगे. यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटी एज पर डायमेंशन, एज पर डायमेंशन। एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एज पर डायमेंशन। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जितने तरह के होते हैं बेटा लिख लेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ, दूसरा लिखेंगे मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट। ठीक है बेटा, उसके बाद सबका यूनिट लिख लो यहां पे, यूनिट। तो लेंथ का होता है बेटा एमपीएस में मीटर, मास का क्या होता है केजी, टाइम का क्या होता है सेकेंड, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का क्या होता है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, करंट का क्या होता है बेटा एम्पियर। तो ये हो गए बेटा आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी सात तरह के और उनके यूनिट। अब हम लोग बेटा डायमेंशन लिखेंगे इसका, डायमेंशन। तो बेटा डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज लिखेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम लोग को लेंथ को लिखना होगा तो लेंथ को हम लोग एल से, कैपिटल एल से लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, ओके। मास को हम लोग किससे लिखेंगे, कैपिटल एम से। टाइम को हम लोग किससे लिखेंगे, कैपिटल टी से। टेम्परेचर को नहीं लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को नहीं लिखेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नहीं लिखेंगे, और करंट को हम लोग लिखते हैं बेटा कैपिटल ए और टी से, कैपिटल डी से, कैपिटल ए से। तो बेटा देख लो जरा सा डायमेंशन में मैंने क्या लिखा, लेंथ को हम लिखते हैं कैपिटल एल से, यूनिट चाहे जो मीटर हो तो भी एल लिखेंगे, सेंटीमीटर में हो तब भी एल लिखेंगे, यानी कि डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज डज नॉट वेरी विद यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता है। तो लेंथ को कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ध्यान रखते, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को नहीं लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नहीं लिखेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नहीं लिखेंगे, तो मतलब एक्सप्लेनेबल नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, डायमेंशन नहीं दिया गया है इसका। करंट का क्या लिखते हैं, कैपिटल ए से। तो ये सात तरह के फिजिकल क्वांटिटीज पे आपके पास यूनिट है, सात फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें से चार के डायमेंशन होते हैं, और वो चार के डायमेंशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के क्या हो गए, डायमेंशन मिल गया। हमारे पास क्या है, वी हैव डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। With the help of this, we will explain derived quantities. With the help of this, we will explain derived quantities. बहुत अच्छी बात है। तो derived quantity में बेटा कैसे इसको लिखते हैं, देखो जितने भी फिजिकल फॉर्मूला होते हैं, जितने भी फॉर्मूला होते हैं उन सभी के डायमेंशन लिखते हैं हम, जिनके यूनिट होते हैं। यानी कि हमको डायमेंशन लिखने के लिए क्या चाहिए, टू राइट डायमेंशन, टू राइट डायमेंशन वी रिक्वायर्ड
यूनिट, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट की जरूरत पड़ेगी, हमें सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत नहीं है, हमें केवल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमको स्पीड का लिखना हो, स्पीड क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकेंड। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका यूनिट, और ये हो गया, अब लिखेंगे हम लोग इसका डायमेंशन। तो मीटर मतलब, मीटर का डायमेंशन यानी कि लेंथ, यानी कि कैपिटल एल से, डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी कि क्या, टाइम, टाइम को कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से। हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, इस टी को ऊपर लेकर के जाएंगे तो मिलेगा आपको एल टी पे पावर माइनस वन, बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ये हो गया डायमेंशन, क्या हो गया डायमेंशन, किसका, स्पीड का, स्पीड का डायमेंशन एल टी पे पावर माइनस वन। इज इट क्लियर, चल स्पीड हो गया। सेकंड हम लिखेंगे एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या, सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक यूनिट हो गया, अब हम लोग इसका डायमेंशन लिखेंगे। मीटर मतलब लेंथ यानी कि एल, कैपिटल एल, और टाइम मतलब टी स्क्वायर, दोनों को ऊपर लेकर के जाएंगे एल टी पे पावर माइनस टू। ये हो गया बेटा आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला एल टी पे पावर माइनस टू, किसका, एक्सेलरेशन का। ओके, अब थर्ड, थर्ड हम लोग लिखेंगे किसका, थर्ड हम लोग लिखेंगे फोर्स का। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो केजी तो मास के लिए हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए हो गया। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, केजी का मतलब कैपिटल एम इंटू मीटर यानी कि कैपिटल एल अपॉन सेकंड स्क्वायर यानी कि कैपिटल टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे, बाकी सबको एक साथ लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, एम एम एल टी पे पावर माइनस टू। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा फोर्स हो गया, तो अब वर्क डन का निकालेंगे, वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू डी। फोर्स मतलब क्या, फोर्स का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस का क्या, मीटर। यूनिट क्या बनकर क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा बेटा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन लिखेंगे, केजी मतलब क्या, कैपिटल एम, मीटर स्क्वायर मतलब क्या, कैपिटल एल स्क्वायर, टाइम स्क्वायर मतलब क्या, टी स्क्वायर। सबको ऊपर लेकर के जाओ, क्या मिलेगा, मिलेगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ व्हाट, वर्क डन, वर्क डन पे डायमेंशन। इतना नोट करो, आगे और भी सारे हैं बताता हूं। चलो उम्मीद करता हूं आपने नोट किया होगा बेटा इसे पूरा। डायमेंशन क्या होता है बेटा, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशंस आर अ फैक्टर विच यूज टू एक्सप्लेन डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसका डायमेंशन का यूज करते हैं। तो यहां तक वर्क डन तक हो गया था, अब वर्क डन के बाद हमारा आएगा क्या, चलो हम लोग अब कुछ रैंडम ले लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वी मतलब स्पीड, स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वी में स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा अब इसका हमें डायमेंशन लिखना होगा, क्या होगा, केजी मतलब एम, मीटर मतलब एल स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर।
डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू। जरा सा देखो, काइनेटिक एनर्जी का आया डायमेंशन क्या, एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू। वर्क डन का कितना आया था, इतना ही आया था, एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू। क्यों, क्योंकि बेटा एनर्जी का और वर्क डन दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, सेम होता है ना यूनिट, तो यूनिट सेम होने की वजह से इसका डायमेंशन भी क्या आ गया, सेम आ गया। इज इट क्लियर। चलो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी एनर्जी है, ये भी जूल है, इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। और देखते हैं कैसे, mgh, mgh, m मतलब क्या, मास मतलब kg, g मतलब क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू h मतलब क्या, हाइट, हाइट मतलब क्या, मीटर। डायमेंशन लिखो क्या हो जाएगा, m मीटर 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 स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर यानी कि t पे पावर 2। ऊपर भेजो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t पे पावर माइनस 2। देखो आया कि नहीं आया, सेम सेम आया है ना। चल चलो अब मोमेंटम का लिखते हैं बेटा। मोमेंटम का, तो मोमेंटम मतलब होता है p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास मतलब क्या, केजी। वेलोसिटी मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, मतलब क्या, कुछ नहीं, m मास मतलब केजी, केजी का मतलब कैपिटल m, l टाइम क्या हो जाएगा, m l t पे पावर माइनस 1। हो गया मोमेंटम का। मोमेंटम का जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं डिराइव, उन सभी को हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसकी जरूरत पड़ रही है बेटा, हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, फिर हमें यूनिट की जरूरत पड़ रही है, इन दोनों की जरूरत के हिसाब से, इन दोनों के नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते रहे हैं, डायमेंशन को भी नोट डाउन कर दे रहे हैं। चलो अब आओ चार्ज का लिखते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई मतलब क्या, एम्पियर मतलब करेंट, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड आ गया। तो एम्पियर को कैसे लिखते हैं बेटा, कैपिटल ए, और टाइम को कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी। ये हो गया डायमेंशन ऑफ किसका, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन हो गया। और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे चलो एक और आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था आप लोगों ने, हाँ नाइन्थ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। फोर्स बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू। तो यहां से हमें जी का डायमेंशन लिखना है, जी मतलब क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी का हमें क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। यहां तक हो गया, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए जी का। तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू, यही हुआ। चलो इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब यूनिट लिखेंगे। यूनिट मतलब फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू आर मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास मतलब क्या, केजी, और एक मास है क्या, नहीं दो मास है, यानी कि केजी स्क्वायर। ओके अब चलो इसका बेसिक यूनिट लिख लेते हैं। तो देखो बेटा केजी यहां पर भी, केजी यहां पर, तो केजी से केजी कट गया, क्या बचेगा, मीटर क्यूब अपॉन केजी, मीटर क्यूब अपॉन केजी, मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर। अच्छा चलो अब इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन यानी कि एल क्यूब मिल गया यहां पे, यहां पर कितना हो गया, केजी, केजी का मतलब क्या, केजी का मतलब क्या, मास, मास का मतलब कैपिटल एम, टाइम मतलब टी स्क्वायर। ऊपर लेकर के जाओ, ऊपर लेकर के जाओगे देखो, एल क्यू एम पे पावर माइनस वन टी पे पावर माइनस टू आएगा ना, लेकिन नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, तो हो जाएगा एम पे पावर माइनस वन
एल पे पावर थ्री, टी पे पावर माइनस टू, यह आ जाएगा आपके पास डायमेंशन। किसका? किसका डायमेंशन? कैपिटल जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का आ जाएगा। समझ में आई बात? इतना नोट डाउन करो, आगे और बताता हूं। चलो नोट किया होगा है ना, गुड, आगे बढ़ते हैं। एरिया का निकालते हैं और वॉल्यूम का निकाल लेते हैं है ना। तो एरिया, एरिया मतलब क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब, मतलब लेंथ का क्यूब। ये दोनों समझ में आई बात? चलो नोट करो इसको, इरेज कर रहा हूं बेटा, सुनो मेरी बात, कब ध्यान से सुनना। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं बेटा, उन सभी के डायमेंशन होते हैं, उन सभी के डायमेंशन होते हैं। और डायमेंशन फॉर्मूला का नोट डाउन करना बहुत टफ टास्क हो गया, क्योंकि बहुत सारे हैं, सबका हम लोग लिखना है हमें। तो बेटा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितने भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते चले जाएंगे, उन सभी फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशन में जरूर नोट डाउन करें। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि अब जो है डायमेंशन का, मैं आपके स्क्रीन पे ऊपर एक चार्ट चला रहा हूं, इस चार्ट को आप देखो समझो, और समझने के बाद मतलब चार्ट को देखो समझो नोट डाउन करो। और कई सारे इस चार्ट में ऐसे फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो कि आपने अभी नहीं पढ़ा है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे उस वक्त उसको नोट डाउन करेंगे। ओके बेटा, चलो अब हम लोग आगे के टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, और आगे का टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन का क्या यूज क्या करेंगे? तो बेटा देखो, डायमेंशन के तीन बेसिक यूज है। कितने हैं? तीन बेसिक यूज है। सबसे पहला, टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम, यानी कि टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम, मतलब एग्जांपल हो गया बेटा, सपोज कर लो हम लोग एसआई से सीजीएस में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि सपोज कर लो आपको कहा हो कि कन्वर्ट वन न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या? फोर्स का फॉर्म यूनिट है, फोर्स का ऐसा यूनिट, वन न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। किसमें? डाइन में। डाइन मतलब क्या? सीजीएस में, सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, है ना, सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है क्या? डाइन। तो अगर आपको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग डायमेंशन के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ट्रांस, ठीक है। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, क्या लिखा मैंने? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका करेक्ट है कि नहीं, यानी कि जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है वो सही है कि नहीं, इसको भी डायमेंशन के फॉर्म से हम लोग चेक करते हैं, है ना, वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और इसका होता है क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों यूनिट सेम है ना? हाँ सेम है। लेकिन सपोज कर लो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, तो क्या ये फॉर्मूला सही है? इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको हम लोग डायमेंशन के हेल्प से वेरीफाई कर लेंगे। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला सही है कि गलत है, उसका भी वेरिफिकेशन हम लोग किससे करते हैं? डायमेंशन एनालिसिस से करते हैं। थर्ड यहां लिख रहा हूं बेटा, थर्ड, टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या लिखा बेटा?
टू स्टेबलिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को आपस में कैसे रिलेट करेंगे, मतलब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, है ना। यानी कि डायमेंशन के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला भी बना सकते हैं। समझ आ रही बात। देयर आर थ्री एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहला है टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला सही है कि गलत है उसको कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। तीसरा है टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज या फिर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के साथ कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, ये भी हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल, एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने रखूंगा एग्जाम्पल के साथ, है ना, कि कैसे हम लोग वन यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, पढ़ेंगे कि फॉर्मूला सही है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में लिख करके ये तीन हेडिंग आप लिखो, मैं वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों ने इसको क्या किया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते तो सपोज करो पहला मेरा क्या था बेटा, टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अदर, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे हमको कन्वर्ट करना है। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, आपको दिया हुआ है कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू डाइन, वन न्यूटन में कितने डाइन होता है ये हमसे कह रहा है कन्वर्ट करो, एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, है ना। आपको क्या पता है, आपको पता है वन न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन, यानी कि आपको बताया नहीं कि 10^5 डाइन होता है, आपको केवल पूछा है कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन, अब आपको डायमेंशन के यूज से ये लाना है ना। तो चलो इसके लिए हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं, लेट कैसे सॉल्व करेंगे ये लोग बोलना, लेट द यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन SI सिस्टम, है ना। सो डायमेंशन विल बी, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका बेटा, हो जाएगा ML T^-2, ये हो जाएगा ना, हमने इसको लिख दिया M1L1T^-2, ओके क्लियर है। अच्छा बताओ बेटा डायमेंशन तो नहीं बदलता है ना, डायमेंशन तो सेम रहता है कोई भी यूनिट सिस्टम में हो, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसका डायमेंशन भी सेम होता है। इन सीजीएस डायमेंशन विल बी ये भी तो होगा वही ML T^-2, इसको सपोज कर लेते हैं M2L2LT^-2, ठीक है क्लियर है। चलो हम सपोज कर लेते हैं कि वन न्यूटन इक्वल टू एन डाइन, सपोज कर लेते क्या, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एन डाइन होते हैं, सपोज कर लिया लेट वन न्यूटन इक्वल टू एन डाइन, तो वन इंटू न्यूटन का डायमेंशन कितना था, M1L1T^-2, अच्छा n तो n है बेटा, डाइन में क्या होता है डायमेंशन सेम होता है, लेकिन हमने यहां पर 2 सपोज कर लिए, है ना। चलो शाबाश, हमें क्या निकालना है, ये n निकालना है, हमें यही तो पूछ रहा है कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन, यानी कि वन न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो सपोज कर लिया n डाइन होते हैं, n फाइंड करना है ना हमें, n फाइंड करना है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 × M1L1T^-2 डिवाइडेड ओवर M2L2T^-2, ओके यहां तक समझ में आई बात। अब चलो आगे बढ़ते हैं,
एन इक्वल टू वन का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, चलो एम वन अपॉन एम टू एक साथ लिख लो इन टू एल एल वन अपॉन एल टू एक साथ लिख लो इन टू टी वन अपॉन टी टू पावर माइनस टू एक साथ लिख लिया एक साथ, चलो वेरी गुड। एंड एम वन मतलब क्या, एम वन मतलब मास, मास किसमें एसआई सिस्टम में या फिर इसमें एमकेएस सिस्टम में क्या होता है केजी होता है, कितना होता है बेटा केजी होता है। अच्छा एम टू मतलब क्या मास, लेकिन किसमें सीजीएस सिस्टम में, एम टू एल टू टी टू पावर माइनस टू यानी कि ये किसमें था सीजीएस सिस्टम में था है ना, तो सीजीएस सिस्टम में मास क्या होता है ग्राम होता है। इन टू एल वन मतलब क्या मीटर, एल टू मतलब क्या सेंटीमीटर क्योंकि सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। अच्छा टाइम तो सेकंड दोनों में सेम होता है, एमकेएस में भी टाइम सेकंड से होता है और सीजीएस में भी टाइम सेकंड से होता है पावर माइनस टू। ओके चलो शाबाश एन इक्वल क्या किसको किसमें कन्वर्ट करना है, वन न्यूटन को डाइम में कन्वर्ट करना है यानी कि एमकेएस सिस्टम से किसमें जाना है सीजीएस सिस्टम से, एसआई सिस्टम से किसमें जाना है सीजीएस सिस्टम में, तो केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखो डिपेंड करता है कि किसको किसमें कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन को डाइम में कन्वर्ट करना है तो यहां पर हम लोग केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कहा होता कि डाइम से न्यूटन में कन्वर्ट करो तो क्या करे होते नीचे वाले को ग्राम को कन्वर्ट किया होता किसमें केजी में, तो यहां पर पूछ रहा है न्यूटन से डाइम में तो केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देते, वन केजी इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर इनटू सेकंड इनटू अपॉन सेकंड पावर माइनस टू, ये कट गया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया ग्राम से ग्राम कट गया, तो एन इक्वल टू 1000 इनटू 100 इनटू 1 पे पावर माइनस टू और एक के ऊपर जितना भी पावर होता है वो आता कितना है 1 आता है, तो n इक्वल टू कितना आ गया 10 टू द पावर 5 टाइम, देखो आ गया कन्वर्ट हो गया, यही तो लाना था 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 टाइम, तो n इक्वल टू 10 टू पावर 5 टाइम आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आई बात क्लियर है पक्का। देखो क्या किया फिर से बता रहा हूं एग्जांपल है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइम, 1 न्यूटन को डाइम में कन्वर्ट करना है तो क्या किया, पहले सबसे पहला काम किया बेटा हमने न्यूटन को यानी कि जो फोर्स का जो यूनिट डायमेंशन होता है उसको लिखा m1 l1 t1 पे पावर माइनस टू, किस यूनिट सिस्टम में एसआई यूनिट सिस्टम में लिख दिया, और सीजीएस में सपोज कर लिया m2 l2 t2 पे पावर माइनस टू, ठीक है। अब कह रहा है 1 न्यूटन टू डाइम में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज किया है 1 न्यूटन को n डाइम में, n जिसको जिस पे कन्वर्ट करता है उसको n सपोज कर लो, n डाइम में कन्वर्ट करना है, n की वैल्यू फाइंड करना था, n को यहां रखा उठा के यहां पटक दिया कैलकुलेशन किया आ गया वैल्यू, समझ में आई बात आगे समझ में, नोट डाउन करो बेटा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते बेटा आपको समझ में आया होगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यह आपको करना है खुद से, कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन, क्या कह रहा है 1 डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, करोगे चलो मुझे मैसेज से बताना कि कर पाए कि नहीं कर पाए। ओके चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, खुद से करने की कोशिश करो, इरेज कर रहा हूं बेटा। अब आते हैं हमारा दूसरा यूटिलाइजेशन के ऊपर, सेकेंड यूटिलाइजेशन बेटा टू चेक द
करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला सही है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। तो यहां पर बेटा की पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं स्टार बना करके, इफ फॉर्मूला इज करेक्ट देन डायमेंशन ऑफ बोथ साइड विल बी सेम। क्या लिखा बेटा मैंने, मैंने लिखा है इफ फॉर्मूला इज करेक्ट, अगर फॉर्मूला सही है देन डायमेंशन ऑफ बोथ साइड विल सेम, दोनों साइड के डायमेंशन क्या हो जाएगा सेम हो जाए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बेटा मैं दो एनर्जी का फॉर्मूला ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या लिखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, ये है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला सही है कि नहीं ये चेक करना है। तो सॉल्यूशन कैसे वेरीफाई होगा कि सही है कि नहीं, दोनों साइड का डायमेंशन क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो चलो और डायमेंशन लिखते हैं, तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे, मास मतलब क्या केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, और दोनों साइड का डायमेंशन लिखो तो एम एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टी पे पावर माइनस टू इक्वल टू, यहां पर लिखा केजी, सॉरी केजी मतलब मास, एम एल टी एल पावर टू, इसको ऊपर लेकर के जाते हैं माइनस नहीं लगाया, क्या हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू इक्वल टू, ये वाला कितना आएगा, ये वाला भी उतना ही आएगा, कितना एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू। तो जरा देखो एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो क्या होगा फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला क्या है सही है गलत नहीं है। ओके नोट डाउन करो, एक एग्जांपल इस पे भी आपको देता हूं, इरेज कर रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपके पास जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो एग्जांपल है चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले को वेरीफाई करो कि ये फॉर्मूला सही है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, ये करेक्ट है कि नहीं ये कह रहा है। ठीक है तो इसको खुद से करने की कोशिश करना, इरेज कर रहा हूं। अब जो है बेटा हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया है, और ये है टू स्टेबलिश रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तीन एप्लीकेशन बताए थे जिसमें से पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया, तीसरा एप्लीकेशन यह है बेटा टू एस्टेब्लिश द रिलेशन। एग्जाम्पल इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is dependent, if time period of simple pendulum, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड है बेटा is dependent on length of the string and acceleration
ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बेटा? इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब क्या, कैपिटल टी, कैपिटल टी इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, लेंथ मतलब क्या, लेंथ मतलब एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि क्या टी इज डिपेंडेंट ऑन एल एंड जी, टी क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है एल एंड जी, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि टी विल बी व्हाट, टी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है बेटा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है मैं आपको बता देता हूं पहले, तो होता है फॉर्मूला टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। किसी भी टाइम, किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो हमसे पूछ रहा है फॉर्मूला बताओ, अभी देखना फॉर्मूला आएगा, है ना। चलो तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहां से करते हैं, ठीक है। तो लेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सच दैट फॉर्मूले में बेटा पावर भी तो होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें हमने क्या सपोज किया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सच दैट, इस प्रकार से कैसे एल, सॉरी टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल पर पावर ए, सपोज करो लेंथ पे पावर ए इंटू जी एक्सेलरेशन पे पावर बी। देख लो बेटा मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है, क्वेश्चन में कहा है, तो मैंने लिख दिया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे पावर ए एंड एक्सेलरेशन पे पावर बी। हमें नहीं पता है कि पावर कितना होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, कितना होगा, हमें फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसीलिए हमने सपोज कर लिया कि पावर एल पे ए होगा और बी जी पे पावर बी होगा, हमने मान लिया, हमने कहा नहीं, हमने मान लिया, सपोज कर लिया। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, चलो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो टी इक्वल टू के, के एक कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, एल पे पावर ए एंड जी पे पावर बी, एल पे पावर ए और जी पे पावर बी। अब दोनों साइड के फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन नोट कर दो, क्या नोट कर दो, डायमेंशन। तो टाइम मतलब क्या, सेकेंड, टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम पीरियड मतलब सेकेंड ना, तो सेकेंड का मतलब क्या डायमेंशन, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ओके इक्वल टू के, तो के है, एल मतलब क्या लेंथ ना, लेंथ मतलब क्या कैपिटल एल, पे पावर कितना है बेटा ए है, पावर कितना है ए, तो देखो एल पे पावर ए लिख दिया, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी की वजह से हो या फिर लीनियर एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन, फॉर्मूला सेम, डायमेंशन सेम। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एल टी पे पावर माइनस टू पे पावर बी, ये मिला, दोनों तरफ के डायमेंशन को लिख दिया, ओके पक्का, पक्का ना। चलो टी तो है यहां पर, लेकिन क्या इस साइड में एल है, नहीं है ना, तो चलो हम लिख देते हैं एल पे पावर जीरो और टी पे पावर वन, एल पे पावर जीरो और टी पे पावर वन हमने लिख दिया, इक्वल टू ये तो क्या है बेटा, एल पे पावर ए और एल पे पावर वन, एल पे पावर ए और एल पे पावर वन, एल पे पावर ए इंटू एल पे पावर वन, तो
बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एल पे पावर ए प्लस वन, देखो एल पे पावर ए प्लस वन लिख दिया, इनटू इनटू लिखते नहीं है यहां पे, टी पे पावर ओफो सॉरी एल पे पावर ए, एल पे पावर ए और एल पे पावर वन, लेकिन यहां पर बी है ना, यहां पर कितना हो जाएगा एल पे पावर ए और एल पे पावर बी, एल पे पावर बी, ओके बेटा एल पे पावर बी, और टी पे पावर माइनस टू बी, टी पे पावर माइनस टू बी, मिला यहां तक, चलो ब्रैकेट में बंद कर, ठीक है। तो अब क्या होगा, एल पे पावर जीरो टी पे पावर वन इक्वल टू के, तो के है बेटा एल पे पावर ए प्लस बी, एल पे पावर ए प्लस बी और टी पे पावर माइनस टू बी, है ना, क्लियर है। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स, क्या कर रहे हैं, इतना करने के बाद पावर्स को कंपेयर कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, पावर्स को कंपेयर कर ले रहे हैं। देखो यहां पर जगह है नहीं जगह है, तो एक काम करते हैं बेटा, नीचे जगह है, यहां पर जगह है, यहां ठीक है, तो कहां से लिखूं, यहां से सॉल्यूशन यहां कर देता हूं, थोड़ा सा सॉल्यूशन यहां पर, ठीक यहां लिखूंगा, यहां ठीक। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स, तो एल पे पावर जीरो है यहां पे, यहां पर एल पे पावर ए प्लस बी है, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन बना, ओके okay. यहां पर टी पे पावर वन है, यहां पर टी पे पावर माइनस टू बी है, तो माइनस टू बी इक्वल टू व्हाट, वन, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस वन बाई टू, बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाई टू, अच्छा ए की पावर कितनी आएगी, बी की वैल्यू यहां रखो, तो ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस वन बाई टू, यानी कि ए माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस वन बाई टू। तो देखो ए और बी का पावर मिल गया ना हमें, ए और बी का पावर मिल गया, ओके। तो मेरा तो फॉर्मूला यही था ना, टी इक्वल टू के एल पे पावर ए जी पे पावर बी, ए और बी का वैल्यू मिल गया, वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या है फॉर्मूला मेरे पास, टी इक्वल टू के एल पे पावर ए, यानी कि एल पे पावर प्लस वन बाई टू इंटू बी पे पावर माइनस बी, मतलब क्या जी, जी पे पावर कितना है माइनस वन बाई टू, यानी कि जी पे पावर कितना बेटा, जी पे पावर माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू को नीचे भेज देंगे, तो टी इक्वल टू के एल पे पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई जी पे पावर वन बाई टू, हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला बन गया बेटा यहां पर, टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, वन बाई टू मतलब अंडर रूट, वन बाई टू मतलब अंडर रूट, अंडर रूट लगा दिया तो एल अपॉन जी आ गया, तो टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, फॉर्मूला क्या था मेरा, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो टू पाई तो कॉन्स्टेंट था ना, यहां पर के भी मेरा क्या है कॉन्स्टेंट है, फॉर्मूला आया ना। चलो तो ये था आपके पास थर्ड एप्लीकेशन, क्या था बेटा थर्ड एप्लीकेशन, इसे नोट डाउन करो, चलो एक बार और समझाता हूं ध्यान से समझना। हमारे पास जो पहला एप्लीकेशन था, वो पहला एप्लीकेशन था आपके पास क्या, कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अदर यूनिट सिस्टम। दूसरा क्या था, दूसरा था आपके पास टू चेक द करेक्टनेस, फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, तो हमने पढ़ लिया। तीसरा ये था, तीसरा क्या था, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन, रिलेशन एस्टेब्लिश करना, उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल था, एग्जांपल क्या था, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड है टी इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है टाइम पीरियड, इसके उसके ऊपर लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, तो ये दो चीज था। फिर कह रहा है फाइंड द फॉर्मूला, फॉर्मूला फाइंड करने की, तो हमने क्या किया, लेट द टाइम पीरियड, हमें नहीं पता था बेटा, हमें फॉर्मूले के पहले नहीं पता था
एल के ऊपर क्या पावर होगा और जी के ऊपर क्या पावर होगा, हमें नहीं पता था, इसीलिए हमने कंसिडर कर लिया लेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सच दैट, इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पे पावर ए, क्योंकि देखो फॉर्मूला, फॉर्मूले में पावर तो होता ही है, या तो वन होगा या तो कुछ और पावर होगा, लेकिन पावर तो होगा ही होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि टाइम पीरियड का फॉर्मूले में लेंथ के ऊपर ए पावर होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर बी पावर होगा, फिर एक कांस्टेंट लिख दिया, फिर एक कांस्टेंट लगा दिया, तो टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन एल पे पावर ए और जी पे पावर बी, इसको इक्वेशन नंबर वन बना दिया। ठीक है, अब क्या किया, इसी इक्वेशन में दोनों तरफ के डायमेंशन को नोट कर दिया, दोनों तरफ के डायमेंशन को नोट कर दिया। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल टी, यानी कि टाइम मतलब सेकंड, इक्वल टू के, तो के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, एल पे पावर ए, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी पे पावर माइनस टू होल पावर बी। फिर क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो एल पे पावर ए, एल पे पावर बी, टी पे पावर माइनस टू बी। फिर क्या किया, इस साइड में एल नहीं था तो एल पे पावर जीरो कर दिया, टी पे पावर वन कर दिया, इक्वल टू के। अब दोनों तरफ के इक्वेशन को क्या कर दिया, बैलेंस हो गया, है ना, दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब क्या कर देंगे, कंपेयरिंग द पावर, पावर को कंपेयर कर ले रहे हैं। तो यहां पर पहले एल के पावर को कंपेयर किया, एल के पावर यहां पर ए प्लस बी, एल का पावर यहां पर जीरो, तो क्या कर दिया, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन बना दिया। सिमिलरली टी पे पावर यहां पर वन था, टी पे पावर यहां पर माइनस टू भी था, तो यहां पर टी के पावर को कंपेयर कर लिया, तो 2b इक्वल टू 1, माइनस 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब b की वैल्यू को पहले वाले में रखेंगे, a की वैल्यू मिल जाएगी, a और b यही तो दो पावर्स थे, l पे पावर a, l पे पावर b, इन्हीं वैल्यूज को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तुरंत हमारे पास t इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g वाला फॉर्मूला आ गया। यहां पर ये जो k है वो कांस्टेंट है, क्या है, k कांस्टेंट है, फॉर्मूला जो था वो 2 पाई वो भी कांस्टेंट था, तो एक चीज तो क्लियर हो गया, डायमेंशन से हम लोग फॉर्मूला पदक बना सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म उसमें छुपा होगा उसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। चलिए बेटा, इसको नोट डाउन कर चुके हैं आप लोग, अब मैं इरेज करता हूं और आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं। ठीक है, तो इरेज करता हूं बेटा इसको। हाँ तो बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी किया होगा और कॉन्सेप्ट को समझा भी होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर एग्जांपल है आपके लिए बेटा, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैसेज से मुझे बता देना। तो एग्जांपल होगा बेटा आपका ये कि इफ काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देन फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द फॉर्मूला, यही है क्वेश्चन आपका। तो बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ तो एक कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि कॉन्स्टेंट डायमेंशन से नहीं पता चलता है, आपको यह रिलेशन निकालना होगा एम बी स्क्वायर, है ना, यानी कि आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूले में k है तो कांस्टेंट की जगह पे आप कुछ भी a b c जो भी मन करे वो रख दो, तो k इक्वल टू क्या रखोगे, a m v स्क्वायर, जहां a क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, तो इसको आप लोग अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा फिर से। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। चलो, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा आप लोगों ने। अब बेटा देखो, डायमेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। तो डायमेंशन से हम लोग सबसे पहला चीज, डायमेंशन से सबसे पहला चीज क्या कर सकते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर डायमेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के हमारे तीन एप्लीकेशन, पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, और तीसरा क्या कर सकते हैं, वन यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तीन तो इसके एप्लीकेशन हो गए, बहुत सारे यूजेस है ना डायमेंशन के।
तो कहीं ना कहीं तो इसके लिमिटेशन होंगे, इसके लिमिटेशन मतलब कहां पर ये फेल हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन को, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के लिमिटेशन के ऊपर। तो सबसे पहला अभी मैंने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन स्टेब्लिश द फॉर्मूला, बट द कॉन्स्टेंट टर्म इन्वॉल्व इन द फॉर्मूला वी कैन नॉट कैलकुलेट। यही तो था, फॉर्मूला तो हम लोग बना ले रहे थे, लेकिन क्या उसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म जो छुपा हुआ था वो बता पा रहे थे? नहीं। तो वही होगा आपका पहला लिमिटेशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला बट कॉन्स्टेंट टर्म इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड यानी कि डायमेंशन क्या है, पहला लिमिटेशन क्या है, हम लोग फॉर्मूला बना तो सकते हैं लेकिन उसका कॉन्स्टेंट टर्म नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स इन्वॉल्व इन फॉर्मूला कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा अगर किसी फॉर्मूले में है तो हम उसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं डायमेंशन में, यहां पर भी लिमिटेशन है। थर्ड थर्ड वी कैन नॉट एस्टैब्लिश अ रिलेशन रिलेशन वी कैन नॉट एस्टैब्लिश अ रिलेशन हम एक रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कब, जिसके पास विच हैव, जिसके पास विच हैव मोर देन थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स वी कैन नॉट एस्टेब्लिश अ रिलेशन। हम एक रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, एक फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं इसके कब, विच हैव जिसके पास मोर देन थ्री वेरिएबल्स हो, तीन से ज्यादा वेरिएबल्स हो, है ना। तो तीन से ज्यादा वेरिएबल्स होने पे हम लोग फॉर्मूला नहीं बना सकते। दीज आर द थ्री लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के तीन लिमिटेशन कौन कौन से हो गए? पहला, किसी भी फॉर्मूले में छुपे हुए कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म अगर इन्वॉल्व है फॉर्मूले में तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तीसरा, किसी फॉर्मूले में अगर तीन वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हो तब तो निकाल लेंगे फॉर्मूला, लेकिन तीन से ज्यादा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो बेटा इस तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए।